सबसे पहले स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। एवरी वन बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के स्टूडेंट के लिए मैथिली विषयक जतेक भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन जे अहाँ सबके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है ओकरा बताबे के प्रयास करब। तो सबसे पहले देखियो हम एहि पार्ट में जे छै गदखंड बताएब। गदखंड में जतेक भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन जे अहाँ के एग्जाम के लिए लाभदायक हैत ओकरे हम बताबे के प्रयास करब। तो देखियो गदखंड में 1 से लेकर 12 तक चैप्टर है ओकरा बताएब। ये हमारे वीडियो के पार्ट 1 है और पार्ट 2 वीडियो में जे छै पदखंड से 112 तक के बताएब। तो पहले हम गदखंड बता देब। तो गदखंड में देखियो सबसे पहले गदखंड और पदखंड के पाठ है जे किनका द्वारा लिखल पाठ है उ अहाँ सब याद रखब। जना देखियो मिथिला के सांस्कृतिक सीमा किनकर रचना है तो रामलोचन शरण के। तो एहिना जे छै अहाँ सबके जतेक भी पाठ के रचयिता है ओकर नाम याद रखब। उ कौन रचयिता कौन पाठ लिखने है उ याद रखब अहाँ जरूरी, कियाकि 5 से 7 मार्क जे छै ने अहाँके एग्जाम के लेल पूछल जाइ छै। 5 से 7 मार्क ऑब्जेक्टिव जे छै इएहसँ अहाँ सबके पूछल जायत विषय सूची छै। तो चलू अहाँ सबके गदखंड से जतेक भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ओकरा बताबे के प्रयास करै छी। तो देखियो पहिल चैप्टर है मिथिला का सांस्कृतिक सीमा जिनकर रचनाकार है रामलोचन शरण। तो ओहिमे जे छै पहिला चैप्टर में अहाँ सबके जे इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है अहाँ सब याद रखब कि बृहद विष्णु पुराणक अनुसार मिथिला का लंबाई चौड़ाई लिखू। तो दोसर क्वेश्चन है, एहिके बाद तेसर क्वेश्चन है चंदा झा के अनुसार मिथिला के चौहद्दी लिखू। ये दूटा क्वेश्चन जे छै एहि चैप्टर से बहुत इम्पोर्टेंट है तो याद रखब अहाँ सब। चलू आब जे दोसर चैप्टर है ओकरा बताबे के प्रयास करै छी अहाँ सबके। तो दोसर चैप्टर जे भोला लाल दास के द्वारा लिखल गेल है ओकरा बताबे के प्रयास करब, ठीक है। तो देखियो भोला लाल दास जी के द्वारा लिखल गेल है राष्ट्रभाषा और मातृभाषा। तो राष्ट्रभाषा और मातृभाषा में कौन कौन इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन छै ओकरा बताबे के प्रयास करब। तो देखियो अहाँ सबके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद रखब, अनेकता में एकता कौन देश में है तो भारत में। भारत स्वतंत्र भेल 1947 में, तो अहाँ सबके यादे भऽ जायत। तो चलू सब्जेक्टिव क्वेश्चन अहाँ सबके बताबै छी। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन अहाँ सब याद रखब कि मातृभाषा के संबंध में महात्मा गांधी के विचार स्पष्ट करू। एहि के बाद जे छै दोसर क्वेश्चन त्रिभाषा सिद्धांतक अर्थ स्पष्ट करू, वो बहुत इम्पोर्टेंट है त्रिभाषा सिद्धांतक अर्थ स्पष्ट करू। ई जे छै दोसर नंबर और पहिल नंबर बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है याद रखब अहाँ सब। एहि के बाद अगला चैप्टर है जे जयकांत मिश्र जी के द्वारा लिखल गेल है जवाहर जेहन देखलू जेहन पोलू। तो अहाँ सब ई याद रखब जवाहर जेहन देखलू तेहन पोलू में कौन चैप्टर कौन क्वेश्चन जे ओ वीवीआई है। तो अहाँ सब याद रखब ऑब्जेक्टिव में याद रखब कि इतिहास प्रसिद्ध विद्वान के छला डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद, ऑप्शन बी एकर सही आंसर है। चलू एक के बाद अगला क्वेश्चन अहाँ सबके जे सब्जेक्टिव है ओकरा बताबे के प्रयास करब। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन जे छै अहाँ सब याद रखब कि 1962 में साहित्य अकादमी सचिव के छला। तो ई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अहाँ सबके बहुत जायत। तो देखियो साहित्य अकादमी मैथिली परिवेशिका विषय में लेखक किनका सा भेंट कैलनी, तो ई भऽ जायत अहाँ सब जवाहरलाल नेहरू। तो एक के बाद जे छै ओही समय के साहित्य अकादमिक उपाध्यक्ष के छला। तो ई सबके तो अहाँ सबके यादे भऽ जायत कियाकि ई ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। पाँचम नंबर में जे छै सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन छै तो अहाँ सब याद रखब, हम सबके फोटो खींच के रखने छियै। तो देखियौ अहाँ सबके अछि साहित्य अकादमी मैथिली के परिवेशिका विषय में लेखकक प्रयास वर्णन करू, ई इम्पोर्टेंट अछि, ठीक छै। एहि के बाद जे छै अहाँ सब याद रखब पंडित जवाहरलाल नेहरू के भाषा प्रेमक वर्णन करू, ऑप्शन 2 नंबर क्वेश्चन पहिल नंबर और दोसर नंबर बहुत इम्पोर्टेंट है। एहि के बाद अगला चैप्टर है लिली रे जे चंद्रमुखी पाठ है जिनका रचयिता लिली रे है उनका द्वारा। तो चलो चंद्रमुखी से कौन कौन इम्पोर्टेंट है, तो चलो अगला क्वेश्चन एहि के देखियो चंद्रमुखी से जे सब्जेक्टिव क्वेश्चन चंद्रमुखी कथा का सारांश लिखू, ई अहाँ सबके पूछ सकैत अछि, ठीक है। अपन संतान लेल चंद्रमुखी कोन कोन कष्ट उठबैत रहली तऽ ई याद रखब, ठीक है। दोसर दुगो क्वेश्चन अगला पाठ चलू